नमस्कार दोस्तों, मैं 11 नंबर वार्ड का मनु साव आप सभी तमाम भाटपाड़ा नागरिकों वृंद से एवं 11 नंबर वार्ड के अपने जनता से मैं विनम्र निवेदन करता हूं। आज एक और मुसीबत हमारे एरिया में दखल देने जा रहा है, अम्फान। कोरोना वायरस के महामारी के समय मैं आप लोगों के साथ था कि आप लोग कृपया घर पर रहें, बाहर ना निकलें, आप लोग सावधान और सतर्क रहें। किसी भी अगर मुसीबत में पड़े तो आप कृपया कर हमसे संपर्क करें। मैं मनु साव इस आपदा के दुख के घड़ी में मैं आपके साथ हूं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूरा टीएमसी पार्टी आपके साथ है। ममता बनर्जी एवं अभिषेक बनर्जी आप लोगों के साथ हैं एवं यहाँ के तमाम हमारे जितने भी लीडर हैं, सोमनाथ शाम जी, गोपाल राउत जी, धर्मपाल गुप्ता, जीतू साव, आप सभी से, इन सभी लोगों से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी मुसीबत में पड़े आप इन लोगों का हेल्प ले सकते हैं। और घबराएं नहीं, मैं 11 नंबर वार्ड के जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप लोग डरे नहीं, घर में रहें। किसी भी मुसीबत में हो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। मैं मनु साव आपसे वादा करता हूं कि आपका एक एक दुख हमारा दुख है और हम जितना हो सके आपका दुख को हल करने में कामयाब होंगे। जय हिंद। ममता बनर्जी जिंदाबाद, टीएमसी पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद भाइयों। नमस्कार सभी को। कोरोना रूपी महामारी से हम सभी जिस तरह अंतर आत्मा से मजबूती रखते हुए संघर्ष कर रहे थे और आप सभी के साथ जिस प्रकार कोरोना महावायरस लॉकडाउन के समय आप सभी के साथ, आप सभी के समक्ष मैं अपनी सेवा को प्रदान करते रहा हूं, ठीक उसी प्रकार ये चक्रवाती आम्फान के वक्त भी मैं आपके साथ हूं और आपके साथ रहूंगा। यदि किसी भी मित्र बंधु, किसी भी नगरवासी, अंचलवासी, बैरकपुर शिल्पांचल के प्रत्येक सज्जन, किसी को भी किसी प्रकार की यदि कोई असुविधा होती है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं निरंतर 24 घंटा आपके साथ हूं और आपके साथ रहूंगा। इस विकट परिस्थिति और ऐसी परिस्थिति से संघर्ष करने के लिए हम सभी तैयार हैं। आप सभी मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल सेव कर सकते हैं, 9836720666। मैं आप सभी के साथ हूं और रहूंगा। भाइयों अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। नमस्कार। जय जय श्री राम। जय माँ भारती। नमस्कार। जिस तरह कोरोना वायरस की लड़ाई में हम लोग आपके साथ खड़ा रहे, चाहे रिलीफ मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तीन तीन कम्युनिटी किचन द्वारा रेडी फूड का डिस्ट्रीब्यूशन हो, कंजर्वेंसी वर्कर को सम्मान देने का काम हो, हर तरीका से जहां संभव हुआ हम लोग किंतु इस लड़ाई में आपका साथ खड़े रहे। उसी तरह कोरोना वायरस के साथ ही साथ लड़ते हुए अभी एक और विपद आने वाला है जो अम्फान के नाम से जाना जाता है। ये अम्फान चक्रवात एक बड़ा विपद बन के हम लोगों के सामने आ रहा है। मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये अनुरोध है कि आप लोग प्रशासन का गाइडलाइन को मान के चले, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और अम्फान से अगर किसी का कुछ नुकसान होता है तो जिस तरह कोरोना वायरस की लड़ाई में हम लोग साथ खड़ा रहे हैं, इम्फान से हुए नुकसान के लिए भी हम लोग आप लोगों का साथ खड़ा रहेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है।